प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम की सम समय की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने सम समय की सीरीज में 7 और 8 जून 2021 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। यहां पर एक कोटेशन लिखी हुई है, इंसान को महासागर से मौन विस्तार और गहराई का भाव सीखना चाहिए। यह बात रविंद्रनाथ टैगोर ने कही है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसी के चलते अपने बात करेंगे 5 महत्वपूर्ण महासागरों पर, जिनमें पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा आएगा अपना हिंद महासागर, चौथा है अंटार्कटिक महासागर और पांचवा है आर्कटिक महासागर। इसी के चलते चलिए चलते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिनमें सबसे पहले अपने बात करेंगे विश्व महासागर दिवस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा करेंगे, जिसमें विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। 1992 के रियो डी जनेरियो में हुए पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद 2009 से कब से 2009 से प्रतिवर्ष ये मनाया जा रहा है, कब? 8 जून को। इसी के चलते जो प्रथम विश्व महासागर दिवस है वो 8 जून 2009 को मनाया गया था। मनाने का उद्देश्य क्या रहता है? मनाने का उद्देश्य रहता है विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना। ये इनका मुख्य उद्देश्य है इस दिवस का मनाया जाना। तो ये अपने बात की विश्व महासागर दिवस के बारे में। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। अपना पहला प्रश्न है, इंदिरा रसोई योजना का संबंध किस राज्य से है? जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, इंदिरा रसोई योजना का लोगो लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कोई भी भूखा नहीं सोए राजस्थान सरकार। तो यहां पर ऑप्शन अपने पास है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। चलिए चर्चा करते हैं अपने इंदिरा रसोई योजना पर। इंदिरा रसोई योजना किस राज्य की सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? राजस्थान सरकार द्वारा। और इस योजना के अंतर्गत गरीबों और जरूरतमंदों को राज्य के शहरी क्षेत्रों में केवल 8 रुपए में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन दिन में 2 बार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा कोई भी भूखा ना सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 से लागू की गई है और राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। 100 करोड़ रुपए जो खर्च है वो इस योजना पर करेगी। और यह योजना वर्ष 2016 की अन्नपूर्णा रसोई योजना के कार्यकाल समाप्त होने के बाद इसका परिवर्तित रूप है वो इंदिरा रसोई योजना के रूप में लेकर आए। तो अन्नपूर्णा योजना को परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें प्रति थाली 20 रुपए है। सोचिएगा, यहां पर बात कीजिएगा, प्रति थाली क्या है? 20 रुपए है। लेकिन अपने यहां बात की थी 8 रुपए थाली। कैसे? जिसमें 12 रुपए राज्य सरकार वहन करेगी सब्सिडी के रूप में, इसीलिए अपने को ये 8 रुपए प्रति थाली पड़ेगी। इसे राज्य के सभी 213 शहरी निकायों में शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां और 250 ग्राम चपाती और इसी के साथ अचार भी दिया जाता है। तो यह थी अपनी राजस्थान सरकार की इंदिरा रसोई योजना। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सेग पोर्टल का उद्देश्य क्या है? यह पोर्टल है क्या? इसका उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल में ऑप्शन अपने को यह मिलते हैं, एमएसएमई क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, दूसरा ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिकों एवं बुजुर्गों की देखभाल के उत्पादों सेवाओं के लिए स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को शामिल करना, तीसरा ऑप्शन है महिला उद्यमियों के लिए ऋण उपलब्धता को आसान बनाना, चौथा ऑप्शन है दिव्यांगों के लिए ऑनलाइन एकीकृत सेवा उपलब्ध करवाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, वरिष्ठ नागरिकों एवं बुजुर्गों की देखभाल के उत्पादों और सेवाओं के लिए
स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को शामिल करना। चलिए बात करते हैं अपने सेल्फ पोर्टल पर। यह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और यह पोर्टल विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के उत्पादों और सेवाओं की वन स्टॉप एक्सेस के रूप में कार्य करेगा। इसी के साथ स्टार्टअप का चयन किस तरीके से किया जाएगा, कैसे आइडिया लगाए कि स्टार्टअप ये सही है, तो इस पोर्टल के तहत नवीन उत्पादों और सेवाओं के आधार पर किया जाएगा जो उन्हें वित्त, खाद्य और धन प्रबंधन से जुड़ी तकनीकी पहुंच के अलावा स्वास्थ्य, आवास, देखभाल केंद्रों और कानूनी मार्गदर्शन जैसे क्षेत्रों में प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। कौन सा? जो स्टार्टअप प्रारंभ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये अपने बात की सेग पोर्टल के बारे में, और चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में H1N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन से मनुष्य के संक्रमित होने का मामला कहां दर्ज किया गया है। जो बर्ड फ्लू है पक्षियों में होता है, लेकिन जो पहला मामला दर्ज किया गया है वो मनुष्य में है। तो ऑप्शन है अपने पास भारत, श्रीलंका, चाइना और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा चीन। चीन के अंदर पहला बर्ड फ्लू स्ट्रेन से मनुष्य संक्रमित होने के मामला मिला है। अपने बात करते हैं बर्ड फ्लू स्ट्रेन के बारे में। यह एक प्रकार का पक्षियों में होने वाला एवियन फ्लू है। यह घरेलू कुकुट प्रजातियों और अन्य पक्षी और पशु प्रजातियों को संक्रमित कर सकता है। इसके अलावा एवियन फ्लू का वायरस संक्रमित पक्षियों की लार, कहां से लार, दूसरा बलगम और तीसरा मल से फैलता है, और जब यह वायरस पर्याप्त मात्रा में मनुष्य की आंखों, नाक और मुंह में चला जाता है या इन संक्रमित पदार्थों के पास श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति के भीतर पहुंच जाता है, तो व्यक्ति से संक्रमित हो सकता है और इसे बुखार और शरीर में कमजोरी के लक्षण दिखाई देते हैं। यह था अपना H1N3 बर्ड फ्लू जिसके बारे में अपने चर्चा की। चलिए चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को किस नए आधार वर्ष में परिवर्तित करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। जानकारी के लिए बता दूं, थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान का जो आधार वर्ष है वो है 2011-12, और इसे परिवर्तित करके जो नया आधार वर्ष घोषित किया जाने वाला है, जो अपने ऑप्शन में से बताना है। पहला ऑप्शन है 2015-16, दूसरा ऑप्शन है 2016-17, तीसरा ऑप्शन है 2017-18 और चौथा है 2019-20। तो इसका सही आंसर होगा 2017-18। तो चलिए बात करते हैं अपने थोक मूल्य सूचकांक पर कि होता क्या है ये WPI। वर्तमान WPI के आधार पर कौन सा आधार वर्ष है, वर्ष 2011-12 जो आधार वर्ष है, इसके आधार पर यह सूचकांक निकाला जाता है और इसके संशोधन के लिए कार्य समूह रमेश चंद्र की अध्यक्षता में इसे 2017-18 में परिवर्तित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। सूचकांक में उत्पादों की संख्या, इसमें सभी उत्पाद जो मदे होती है उनको एक टोकरी बास्केट के रूप में माना जाता है, उनका एक समुच्चय बनाया जाता है, और जिसमें 2011-12 में 692 से और 17-18 में बढ़ाकर क्या कर दिए गए हैं 1196, और खाद्य सूचकांक जो है उसका हिस्सा 24 से बढ़कर 27% हो जाएगा इस परिवर्तन के बाद। इसके अलावा अपने बात करते हैं थोक मूल्य सूचकांक थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में विक्रय किए गए और व्यापार की गई वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का मापन करता है। इसके अलावा इसके आंकड़े कौन जारी करता है, आंकड़े जारी करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगर अपने इसके अलावा बात करें कि WPI में केवल आधार कीमतों पर गणना की जाती है और इसमें कर कटौती, व्यापार छूट और परिवहन और अन्य शुल्क जो होते हैं वो शामिल नहीं किए जाते हैं, ये केवल आधार वर्ष पर निर्धारित किया जाता है। तो ये था थोक मूल्य सूचकांक। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित प्राण, वायु और
स्वस्थ वेंटिलेटर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? तो तीन वेंटिलेटर बनाए गए हैं जिनका निर्माण किया गया है, तो निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया गया? पहली संस्था है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, मतलब DRDO, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे। तो इसका सही आंसर होगा ISRO, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अब इसके बारे में अपने देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण। कोरोना महामारी से लड़ाई में ISRO द्वारा तीन वेंटिलेटर स्थापित किए हैं, निर्मित किए हैं, और ये वेंटिलेटर आसानी से कहीं भी ले जाए जा सकते हैं और इनकी कीमत भी बहुत ही कम है। इनके अलावा अगर इनके फीचर्स के बारे में बात करें तो जो प्राण वेंटिलेटर क्या है, ऑटोमेटेड कंप्रेशन द्वारा रोगी को सांस लेने में जो दिक्कत होती है, और इसके अलावा जो गैस जो पहुंचाई जाती है उसके लिए क्या है, ये प्राण वेंटिलेटर निर्मित किया गया है। इसके अलावा जो वायु वेंटिलेटर है वो कम लागत वाला वेंटिलेटर है, तथा जो स्वस्थ जो वेंटिलेटर है वह गैस संचालित वेंटिलेटर है जिसके क्या है, बिना बिजली के लिए वो काम कर सकता है, और इसमें बैटरी बैकअप का भी, जो पावर बैकअप होती है उसका भी ऑप्शन दिया गया है, जिसके तहत क्या है कि बिजली जाने पर भी ये काम करते रहेंगे। तो ये ISRO के द्वारा तीन वेंटिलेटर निर्मित किए गए हैं। इसके अलावा अगर अपने बात करें ISRO के बारे में कि ISRO की स्थापना कब हुई थी, तो ISRO की स्थापना 1969 में हुई और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, कर्नाटक में, और जो ISRO है वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। अगला DRDO के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में की गई और मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में, और DRDO आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। अगला अपने बात करें CSIR के बारे में तो इसकी स्थापना 1942 में की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब मैं बता दूं ISRO के द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो उपग्रह सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो कार्य संभाला जाता है ISRO के द्वारा। DRDO रक्षा अनुसंधान जैसे मिसाइल है, मिसाइलें निर्माण का जो कार्य है ये रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग करता है DRDO। CSIR ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तहत जो नवीन टेक्नोलॉजी आती है, जो नवीन खोजें की जाती है, वो CSIR के तहत अपने पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो हाल ही में ये परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया, तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है जिसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, तमिलनाडु और राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन होगा पंजाब। पंजाब के द्वारा सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, जैसे अपने इसमें देखते हैं कि इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस क्या है। सबसे पहले जो इनके 1000 संकेतक जो होते हैं उनमें से 929 के आधार पर पंजाब आता है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है चंडीगढ़, और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु, और चौथे स्थान पर है केरल। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है, केरल चौथे स्थान पर है, पंजाब पहले स्थान पर है। राजस्थान ने भी अपनी जो रैंक है वो पिछले साल की बकायदा अब की बार सुधार की है। तो चलिए चलते हैं अपने इस इंडेक्स के बारे में चर्चा करते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 ये स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग जो काम करता है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, इसके द्वारा जारी किए गई है। यह एक उपकरण है जिसके माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल स्थिति का बोध होता है। इसके अलावा कुल मिलाकर इसमें 1000 के अधिकतम स्कोर के साथ दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 70 संकेतक इंडिकेटर हैं, 70 इंडिकेटर इसमें शामिल किए गए हैं, और यह सर्वप्रथम 2019 में 2017-18 के आधार पर जारी किया गया था। तो यह बात की अपने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक में शामिल नहीं है? ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, थाईलैंड और म्यांमार। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा पाकिस्तान। कैसे? देखिए यहां पर मैप में मैंने दिखाया आपको कि इसमें भारत भी शामिल है, इसमें थाईलैंड भी शामिल है, इसमें म्यांमार भी शामिल है, इसके अलावा बांग्लादेश भी शामिल है,
भूटान भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है और श्रीलंका भी शामिल है। तो चलिए चलते हैं अपने ये जितने भी देश है, ये बंगाल बे हो बंगाल के लगने वाले जो देश है ये इसमें शामिल है। चलिए बात करते हैं अपने बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। चलिए बात करते हैं अपने इसके बारे में कि यह बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती देशों का एक क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है जिसकी स्थापना 6 जून 1997 में बैंकॉक घोषणा के तहत हुई। चर्चा में इसलिए है क्योंकि 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 6 जून को इसका स्थापना दिवस मनाया गया था। प्रारंभ में केवल 4 सदस्य थे और इसे बिस्ट इसी कहा जाता था। कौन कौन से सदस्य थे प्रारंभ में? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। आर्थिक सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय है वो कहां पर है? ढाका, बांग्लादेश में है। और 7 सदस्य कौन कौन से हैं वो मैं आपको स्लाइड में दिखा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको यहां बताया इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो 7 सदस्य देश हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो इसका सही आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, IEA, इसकी शॉर्ट फॉर्म अपने पढ़ते हैं। अब विश्व बैंक के बारे में अगर अपने बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और 5 संगठनों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई है और वैश्विक स्तर पर यह वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए विश्व बैंक कार्यरत है। अगला ऑप्शन है अपना अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी। तो अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो है 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय है अबू धाबी। कहां पर है? अबू धाबी। अबू धाबी कहां पर है? अबू धाबी है UAE, संयुक्त अरब अमीरात में। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है Washington DC। कहां पर? Washington DC। और Washington DC कहां पर है? USA। कहां पर है? USA। अगला अपने बात करें इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बारे में, इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। किसके द्वारा? जो भारतीय उद्योग परिसंघ है उसके द्वारा, CII, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये कार्य क्या करता है? ये जो ग्रीन बिल्डिंग है उनके संबंधित जो विकास योजनाएं होती है उनसे संबंधित रेटिंग होती है उसका कार्य वो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल करती है। चलिए बात करते हैं अपने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में। यह 1974 में पेरिस फ्रांस में स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और यह मुख्य रूप से अपने ऊर्जा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण, जिसे 3E के नाम से, 3E के नाम से जाना जाता है, शामिल है। भारत वर्ष 2017 में इस संगठन का एक सहयोगी सदस्य बना था। इसके अलावा अगर अपने बात करें कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कौन कौन सी रिपोर्टें जारी करती है, जिसमें एक के बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं, इसके अलावा अगर अपने बात करें तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट भी ये जारी करता है, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू भी ये जारी करता है। इसके अलावा भी कुछ है, भारत ऊर्जा आउटलुक 2021 रिपोर्ट और 2050 तक नेट जीरो रोड में भी जारी किया गया है भारतीय अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। तो ये अपने बात की अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में। चलिए चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश आसियान संगठन में शामिल नहीं है? ऑप्शन अपने पास भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान में शामिल नहीं है? आसियान में शामिल नहीं जो देश है वो है भारत। चलिए अपने बात करते हैं आसियान संगठन के बारे में।
आसियान संगठन क्या है? यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है, जिसमें कुल वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 10 सदस्य देश हैं और स्थापनाकर्ता जो थे वो 5 थे। 5 कौन कौन से थे? पहला आएगा इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा फिलीपींस, चौथा सिंगापुर और पांचवा है थाईलैंड। इसकी ट्रिक है मिस इफ्ता। कौन सी? मिस इफ्ता के नाम से। मिस इफ्ता कैसे? मैं से मलेशिया, से सिंगापुर, ई से इंडोनेशिया, एफ से फिलीपींस और थे से थाईलैंड। तो मिस इफ्ता क्या है? इसके संस्थापक देश हैं। इसके अलावा बाद में कुछ अन्य जो यहां के जो देश हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देश है वो शामिल हो गए। इसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में और इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। अब 10 सदस्य देश कौन कौन से हैं तो अपने बात करते हैं। 5 पर चर्चा कर चुके हैं जिसमें अपने देखे, पहला मलेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ये अपना आ गया म्यांमार। तो ये जो 10 सदस्य देश हैं इसमें शामिल है। चलिए चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अपना अंतिम प्रश्न है, फुटबॉल के महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ब्राजील, तीसरा भारत और चौथा है थाईलैंड। तो फुटबॉल के महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा भारत। जैसे यहां लोगों में आपको दिखाई दे रहा है कि 2022 में इंडिया सेट टू होस्ट वुमेन एएफसी एशियन कप 2022। चलिए बात करते हैं अपने इसके कुछ फीचर्स के बारे में। फुटबॉल के महिला एशिया कप 2022 के बारे में चर्चा करें तो 2022 के लिए मेजबानी भारत करेगा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 1979 के बाद पहली बार मेजबानी का अधिकार भारत को दिया है। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें भाग लेगी और यह टूर्नामेंट 2023 में जो होने वाला है कौन सा? फीफा महिला विश्व कप, उसके लिए क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट भी यह साबित होगा। तो ये अपने थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।